किसके नेतृत्व में हो चुनाव? वसुंधरा राजे के नेतृत्व पर सवाल, सामने आई गुटबाजी। एक पक्ष कर रहा है समर्थन, दूसरा पक्ष कर रहा है विरोध। तमाम कोशिशों के बाद भी राजस्थान बीजेपी में बवाल थामने का नाम नहीं ले रहा है। चुनाव नजदीक आते ही नेतृत्व को लेकर एक नई जंग छिड़ गई है। कुछ लोग वसुंधरा राजे को ही राजस्थान बीजेपी मान रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसके विरोध में खड़े नजर आ रहे हैं। वसुंधरा राजे के नाम पर पार्टी में गुटबाजी इस कदर बढ़ गई है कि बीकानेर में पार्टी के दो दिग्गज अलग अलग कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन दोनों साथ नजर नहीं आए। इस मौके पर बीजेपी के विधायक ने ताल ठोकते हुए कहा कि राजस्थान में वसुंधरा के अलावा कोई ऐसा नेता है ही नहीं जो गहलोत सरकार को चुनौती दे सके। बात ही नहीं, मैंने पहले भी कहा था, रांची ग्राम राजस्थान में सर्व लोकप्रिय सर्व मान्य नेता कोई है तो वसुंधरा जी है। उन्हीं के नेतृत्व में हम इस कांग्रेस के कुशासन का अंत कर सकते हैं। रास नहीं आया बयान, वरिष्ठ नेता का खंडन। नेतृत्व पर होगा फैसला, आला कमान तय करेंगे नेता। जैसे ही राजेंद्र राठौर का वसुंधरा राजे के समर्थन में बयान आया, तुरंत पार्टी के वरिष्ठ नेता ललित चतुर्वेदी ने इसका खंडन कर दिया। ललित चतुर्वेदी ने कहा कि नेतृत्व का फैसला केंद्र के शीर्ष नेता करेंगे। सब लोगों का जो व्यक्तित्व होता है, सारा संगठन होता है, एक जॉइंट लीडरशिप होती है, उसमें होता है, तो ये बात तो निर्णय करेगा हाई कमांड। जब हाई कमांड तय कर देगा तो मान लेंगे, नहीं करता तो निश्चित रूप से सबके सब लीडरशिप होगा। नेताओं के कद पर सवाल, बयान देने वालों को चुनौती। वसुंधरा राजे के नेतृत्व पर जैसे ही ललित चतुर्वेदी ने सवाल उठाया, राजेंद्र राठौर ने तुरंत पलटवार करते हुए ये कह डाला कि नेतृत्व पर अगर केंद्रीय नेता सवाल उठाते हैं तो सोचने वाली बात होगी। जाहिर है राजेंद्र राठौर राज्य के नेताओं के कद पर सवाल उठाते हुए उनके बयानों को तवज्जो नहीं देना चाहते। अडवाणी राजस्थान में आकर कह जाए कि वसुंधरा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, जो अरुण जेटली आकर कह जाए, जब अनिल कुमार आके कह जाए, हमारा राष्ट्र नेतृत्व आके कह जाए, तो उनकी बात को मैं कैसे जुटलाऊं? इसलिए उसी नाते मैं कह रहा हूं कि हमारा राष्ट्र नेतृत्व में जब कभी राजस्थान में कोई राष्ट्रीय नेता है, उन्होंने वसुंधरा जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात की, उसी बात को मैं दोहराऊंगा। ये कोई पहला मौका नहीं है जब पार्टी में वसुंधरा के नेतृत्व पर सवाल उठाए गए हैं। इससे पहले के विधानसभा चुनाव में भी भीतरघात का खमियाजा पार्टी भुगत चुकी है। अब एक बार फिर नेतृत्व को लेकर बखेड़ा शुरू हो गया है। इससे पहले वसुंधरा राजे के करीबी आला कमान पर दबाव डालने के लिए अलग पार्टी बनाने का शिरोपा छोड़ चुके हैं। अब देखना ये है कि हाईकमान किसके पक्ष में चुनाव लड़ने का फैसला सुनाता है। केके सिंह, सहारा न्यूज ब्यूरो, बीकानेर। बीकानेर के लोग सहमे हुए हैं।